तो देवियों और सज्जनों, आज की क्रेजी वीडियो के साथ एक मरतबा फिर हाजिर है आपका भाई अदनान। तो आज की वीडियो बहुत ही क्रेजी होने वाली है क्योंकि हमारे पास हैं ये दो चीजें। जैसा कि आप देख सकते हैं, नहीं ये है स्नो स्प्रे। इसको आप सभी लोग जानते होंगे, यकीनन जानते होंगे। इसको हम बर्थडे पार्टीज में, शादी ब्याह के मौके पर इस्तेमाल करते हैं, तो किसी की नाक में, किसी के मुंह में, किसी के कान में घुसेड़ देते हैं। और इसके साथ हमारे पास है ये हेलमेट। तो इस हेलमेट से भी आप वाकिफ होंगे, एक्सीडेंट की सूरत में आप चोट से बच सकते हैं। और अगर आपने हेलमेट नहीं पहना होता तो आपको चालान भी हो जाता है। तो आज की वीडियो क्रेजी इस वजह से होने वाली है क्योंकि हम करने वाले हैं धमाके। और वो भी इस स्प्रे के साथ। तो यकीन आप सोच रहे होंगे, स्प्रे के साथ धमाके कैसे हो सकते हैं? नहीं तो पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ये बहुत ही डेंजरस भी है। वो कैसे? कि अगर इस स्प्रे को हम आग पे स्प्रे करें तो इसको आग लग जाती है और आग भड़क उठती है। और चूंकि इसके अंदर प्रेशर होता है और उस प्रेशर की वजह से अगर इसको हम किसी आग पे रखें तो धमाका हो जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो यही चीज हम अप्लाई करने वाले हैं आज की इस एक्सपेरिमेंट में। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज जो ऐड हमने किया वो ये है कि इसको रखेंगे हम आग पे, इससे हम करेंगे धमाके और उसके ऊपर रखेंगे इस हेलमेट को और देखेंगे कि ये हेलमेट कितना धमाका बर्दाश्त कर सकता है और कर सकता भी है या नहीं। तो ये तो धमाके के बाद पता चलेगा इसका क्या बनेगा। तो आज की वीडियो बहुत ही क्रेजी होने वाली है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएं और सब्सक्राइब कर लें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको आज के हमारे सेटअप को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, तो चले मेरे साथ आए। हमारे पास है, सबसे पहले तो ये है चूल्हे के ऊपर रखने वाला। ये मुझे कोई और चीज़ मिली नहीं तो मैं घर के चूल्हे का उतार के इसको ले आया। और ये हमारे पास है होल। इस होल के अंदर हम डालेंगे ये लकड़ियाँ और इसको लगा देंगे आग। जब आग लगेगी और यहाँ से ऑक्सीजन इसको आती रहेगी, जब आग लग जाएगी तो इसके ऊपर हम रख देंगे स्नो स्प्रे को। यूँ क्योंकि इसके अंदर प्रेशर होता है तो जब आग इसको लगेगी वो इसके अंदर प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा देगी और इससे होगा धमाका। लेकिन धमाके से पहले हम इसके ऊपर यूँ रख देंगे हेलमेट। जब हेलमेट इसके ऊपर रखेंगे, जब धमाका होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। अबे हर बात मीडिया पर नहीं बताई जा सकती। तो यकीनन बहुत ही मजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप में से कोई भी इसको घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करना, बिकॉज इट इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड फन। सो बी वेयर, बी हैप्पी, बी सेफ। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की आग तैयार हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं आग जल रही है। अब जो काम रह गया है वो ये है कि इसको हम रखेंगे इसके ऊपर और फिर इसको रखेंगे इसको और फिर भाग जाएंगे। जी हाँ, तो यही आज का हमारा प्लान है। तो ये ईंटें मैं लेके आया हूँ। मैंने सोचा कि ये ना हेलमेट को पहले वैसे ही आग लग जाएगी अगर अगर इसको वैसे रख दिया ऊपर, तो अब ईंटों से शायद थोड़ा सा असर रहेगा। तो बाकी यूँ ठीक है। तो अब हम इसको रखने जा रहे हैं इसके ऊपर और फिर इसको हम फिर हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो 1, 2 एंड 3। तो ये आज का हमारा काम होने जा रहा है। हम चलते हैं दूर, भाग जाते हैं। यकीनन हम बहुत दूर आ गए हैं यहाँ से, कोई नज़दीक नहीं है हमारे। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आग पहले लग गई है भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने देखा है, तो
फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा है हमारा आज का एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब रहा है, और देखे इसने इसका क्या हाल कर दिया। हमारे हेलमेट की तो धजियां उड़ गई हैं। जैसा कि आपने देखा धमाका भी बहुत अच्छा हुआ है। हमने ये ईंटें रखी हुई थी जिसकी वजह से धमाका आपको शायद यहाँ से नजर ना आया हुआ, लेकिन यहाँ पर आपने देखा यहाँ से इसका ढक्कन वो दूर गया, वहाँ पर उसकी जाके कहीं पर वो पड़ी हुई है बोतल। तो फ्रेंड्स ये भी हमने मंगूदा से उठा लिया है, वहाँ पर दूर या कहीं पर जाके गिर गया था, इसको उठाया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका हाल और इसका हाल, आप दोनों देख सकते हैं कि ये कितना शदीद धमाका हुआ है। इसके अंदर अगर इनफ्लेमेबल या धमाकेदार चीज़ ना होती तो कभी भी ना ये फटता। तो देख सकते हैं इसकी क्या हालत हुई है। यकीनन इसने इसका बुरा हाल कर दिया है। अभी तक जो एक्सपेरिमेंट हुआ है बहुत ही क्रेजी हुआ है, लेकिन इससे भी क्रेजी एक्सपेरिमेंट अब हम करेंगे। वो कैसे कि हम दो स्नो स्प्रेज एक साथ रखेंगे और फिर देखेंगे कि इसकी हालत क्या होती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अभी एक ने भी इसका हाल बिगाड़ दिया, इसको आग भी लगे थी नीचे जिसकी वजह से मसला हो गया। बाकी आप आग की देखें क्या देखें, ये इसके अंदर से निकले हुए, ये इसकी स्प्रे से निकली हुई है, ये देखें। और इस स्प्रे की वजह से इसको में मज़ीद आग लग रही है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि वाकई इनफ्लेमेबल है, और इसको घर पे भी अगर बर्थडे पार्टीज में भी अगर यूज़ करना है तो कभी भी इसको मोमबत्ती के ऊपर स्प्रे ना करें, अदरवाइज नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। तो चलते हैं अब हमारा इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इन दो स्नो स्प्रे को इसके ऊपर रखेंगे और भी इसके ऊपर रख देंगे। तो आज का हमारा जो फाइनल जो एक्सपेरिमेंट है वो बस होने जा रहा है। अभी कुछ ही घड़ियों में आपके सामने ये तमाशा होगा, आप देखेंगे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो बट एज आई हैव सेड अर्लियर, डोंट ट्राई इट एट होम एट एनी कॉस्ट, अदरवाइज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी साथ से भागना भी है ना इस वजह से, तो इसको ऊपर डाल ही देते हैं, इसके अंदर जल ही जाएगा। तो हमारे हेलमेट की तो वैसे बस बस हो गई। ये डालने जा रहे हैं मसाला, और ये इसके ऊपर रख दिया हंडिया, और हम भाग गए। फट गया कि नहीं? नहीं है। Let me see. तो फ्रेंड्स अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने हेलमेट पहन लिया अपनी सेफ्टी के लिए, वो इस वजह से कि हमारा जो एक स्प्रे था वो फट गया था, जबकि एक अभी इसके अंदर पड़ा है। अभी हमें पता नहीं है कि वो फटा है या नहीं है, तो इस वजह से मैंने हेलमेट पहन लिया है। इसको पहले चेक करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि कंडीशन आज की क्या बनी। तो चलें। मुझे लग रहा है कि इसके अंदर शायद अभी थोड़ी सी गैस है और वो गर्म हो रहा है। इस ईंट ने हमें बचाना है, इस वजह से इस तरह बैठा हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा है आज का जो डेंजरस एक्सपेरिमेंट हमारा कामयाब हो गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इस हेलमेट की तो धजियां उड़ चुकी हैं बिल्कुल। मैं इसको नया खरीद कर लाया था सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए, और आप जैसा कि देख सकते हैं इसको हर तरह से इसकी बैंड बच चुकी है। तो यकीनन इसने बहुत इसको डैमेज कर दिया है, और ये अब सिर्फ ढांचा रह गया है। तो वो ये गर्म है, ये देखिए फटा नहीं है, लेकिन चूंकि इसके अंदर यहाँ से ना ये लीक हो गया,
ये लीक हुआ है, इस वजह से इसका धमाका नहीं हुआ तो इसका प्रेशर जो है रिलीज हो गया। बाकी इसको हम फेंक देते हैं, फिर भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देख, जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों स्नो स्प्रेज की हालत बहुत ही ख़राब हो गई है, दोनों पीछे से फट चुके हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि कैसे एक स्नो स्प्रे, जिसको हम पार्टीज में और शादी ब्याह के मौके पर यूज़ करते हैं, कैसे आपके इवेंट को ख़राब कर सकता है। तो आपने कभी भी इस स्नो स्प्रे को आग के साथ नहीं शामिल करना, उसके ऊपर स्प्रिंकल नहीं करना और कभी भी इसको आग के करीब नहीं लेके जाना, अदरवाइज कोई भी भयानक घटना घट सकती है। जो एक्सपेरिमेंट आज हमने किया, ये तो बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए, क्योंकि वी आर क्रेजी बट विद क्रेजीनेस वी ऑल्सो टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स, सो दिस इज द थिंग विच कीप्स अस सेफ एंड साउंड। अदरवाइज आप इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान के जिम्मेदार आप होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही क्रेजी हुई थी, तो इस हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की क्रेजी फनी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत अपने होस्ट अदनान को, सी यू नेक्स्ट टाइम।